हाय फ्रेंड्स, तो ये ना लास्ट रेसिपी किस चीज़ की है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो मेरे पास रखी हुई थी ये व्हिपिंग क्रीम, और ये बहुत दिन हो गए थे तो इसकी डेट भी निकलने वाली थी, तो मैंने इसको क्या करा, फ्रीजर से निकाल के रख दिया था सुबह। इसमें 250 ग्राम के समथिंग व्हिपिंग क्रीम बची हुई थी, और अब इसको ना हम ले लेंगे मिक्सिंग बाउल में। और अब हमें क्या करना है, इसको बीट करना है। आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में डाल के उसमें भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता तब तक आप इसको बीट करेंगे। तो यहाँ पर ना अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच के समथिंग वनीला एसेंस। आप यहाँ पर कोई से भी एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर से इसको बीट करेंगे, इसमें बढ़िया सा विप बनने लग जाए जब तक इसको बीट करना है। ये क्रीम आपको केक वाली शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इसमें डालने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू, बादाम और किशमिश। किशमिश के जो है ना, हमें एक में से दो टुकड़े करना है, और बादाम के भी हमें थोड़े से मोटे टुकड़े करना है, काजू के भी हमें सेमी कर लेना है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसमें बस आप जेली डाल सकते हैं, या फिर आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। इन सभी को कट करके डाल देंगे, और उसके बाद इसको जो है ना बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो हमारा ये है ना ड्राई फ्रूट्स वाली वनीला आइसक्रीम का बेस तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से एक्स्ट्रा करेंगे और थोड़ा सा और जो है ना डेकोरेट कर देंगे, और इसको ऊपर से क्लीनिंग रेप से रैप करेंगे, या फिर आप किसी भी आइसक्रीम वाले डिब्बे में सेट कर सकते हैं। और इसको कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, उसके बाद ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो समर वाली ये लास्ट आइसक्रीम है, बाकी अब नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है ये आइसक्रीम। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गई है, मैंने पूरी रात के लिए इसको छोड़ दिया था क्योंकि रात में वीडियो शूट करा था। बस इसको निकालेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आप इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि तभी आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।